भी करते थे, तो बहुत अच्छी रिकवरी थी। ये वास्तविक उदाहरण है, इसी परिवार का है। सुमरण करने वाले भी भगत जी परिवार के सदस्य थे, बड़े थे, अग्रज थे। जिनके निमित्त किया गया वो भी परिवार के सदस्य थे। हम सब लोगों की आंखों के सामने का उदाहरण है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात है, यही एक रास्ता है। बादशाह साहब ने प्रेम प्रकाश में फरमाया अपने घर की बात, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रामचरित मानस में गोसाई जी फरमाते हैं, सभी संतों का एक ही उपदेश, एक ही रास्ता, एक ही तरीका, हमारे भले के लिए एक ही दीक्षा। सबने रामचरित मानस में गोसाई जी क्या फरमाते हैं, जपै नाम जन आरत भारी, मिटै कुसंकट मोहि सुखारी। बालकांड में नाम की महिमा में गोसाई जी शायद फरमाते हैं कि जो कोई सेवक जन जपै नाम जन जन यानी सेवक, जो प्रभु का सेवक है, जिसे हम सत्संगी कहते हैं, जो प्रभु का दास है, जिसने उसकी शरण ले रखी है, वो यदि कोई बारी और संकट में फंस जाए, दुखी होता है और आर्त होकर के यानी दुख से कातर होकर के नाम को सुमरण करे, जपाई जाप करे, जपाई नाम जन आर्त बारी, बारी आर्त होकर के दुखी होकर के यदि कोई सेवक नाम का सुमरण इस निमित्त से करेगा कि मेरा यह कष्ट मुझसे सहन नहीं होता, हे गुरुदेव हे प्रभु दया करके इसे दूर कर दीजिए, तो वो संकट कटेगा, उसका तकलीफ का समय समाप्त होगा, उसके गुनाह माफ किए जाएंगे, मिटेगी वो संकट और सुखाए, छोटा संकट मिटेगा और वो शांति की अवस्था को प्राप्त होगा। तो आज एक प्रसंग इसलिए आ गया कि भाई जगमाल एक ऐसी बीमारी से इस समय पीड़ित हैं, जिसके ऊपर हम सब लोगों का इंसानों का ज़्यादा जोर नहीं चलता। वैसे कोई भी कठिन कर्म उदय हो जाए, हम सब की क्षमता से भी है। कठिन कर्मों पर बाबू साहब ने फरमाया है, कठिन कर्म जब उदय हो जाते हैं तो जोर नहीं चलता। प्रेम प्रकाश ने भी फरमाया है, कर्म कोट यदि उदय हो दुख अति कष्ट होगा, यदि कोटे कर्म प्रबल कर्म एक साथ उदय हो जाए तो उनको नहीं पड़ता। लेकिन उसमें रियायत इस तरह से हो सकती कि इस बात की परवाह न करें कि संकट कब हुआ कि नहीं हुआ, कि कब होगा कि पूरा क्यों नहीं हुआ, या पूरा होगा तो भी क्या होगा, एक दिन तो हमारा इस जीवन का समय भी समाप्त होगा। चाहे जो होता है, हमें केवल उस नाम में जोर लगानी है, उस नाम को रखना है। हम दुखी भाव से आठ भाव से अपने स्वार्थ के लिए नाम रख रहे हैं, तब भी वो नाम इतना प्रबल बताती है, उसका प्रताप उसका के ऐसा है कि चाहे जिस तरीके से उस नाम को लिया जाए वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा। महापुरुषों ने कहा एक में जीत जाए, अब यदि उल्टा पड़ेगा तो भी उठेगा, सीधा पड़ेगा तो भी उठेगा। मालिक का नाम इतना मंगलकारी है, यहाँ पर भी एक साथी लिखी हुई है, सदगुरु सब ने नाम कोई बढ़ता है, सब भी गुरु मंगल कर, सब विधि का मतलब है हर प्रकार से कल्याण और प्रसन्नता का कारण कारक है, बुध मंगल की खान है। तो यही काम हमें करना चाहिए, जीव का भला करना हो तो नाम का स्मरण, हमें दुख तकलीफ से छुटकारा चाहिए उसमें रियायत चाहिए तो नाम का स्मरण, बाकी के चरणों का प्रेम चाहिए तो भी नाम का स्मरण, कल्याण चाहिए तो भी नाम का स्मरण, जगत में आराम चाहिए तो भी नाम का।
समझदार भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, बीमार भी कर सकता है, कम पढ़ाने का भी कर सकता है और समझदार और ज्ञानी विवेकवान भी कर सकता है। बाकी कई उपाय ऐसे थे पुराने समय के साथ लोगों में, वो हर एक के बस उतार में थे, लोग उदाहरण हर एक के बस का नहीं, ज्ञान मार्ग का अवलंबन सबके बस की बात नहीं, वैराग्य की प्रधानता है, विवेक कहाँ से ला है, घट संपत्ति में से एक संपत्ति नहीं है, चार पदार्थ चार साधन जो है उनमें से मोक्षता नहीं है, जिज्ञासा है मोक्षता नहीं है, जीना चाहते हैं लेकिन अपने आत्मकल्याण की चिंता नहीं है, इतना विवेक नहीं है कि समझदारी नहीं है, तो वो पुराने साधन जो थे वो सबके बस के नहीं थे। तपस्या का साधन क्या बीमार आदमी कर सकता है? कठिन बीमारी में कोई व्यस्त हो, जिसकी उम्र ज़्यादा हो गई हो, ज़्यादा वृद्ध हो गया हो, जो शरीर से पहले से ही किसी कारण से निर्बल हो, वो तपस्या क्या करेगा? नहीं किया जा सकता। सुमरण किया जा सकता है, सुमरण बीमार भी कर सकता है, जिसने चारपाई पकड़ ली वो भी कर सकता है, और इतना ज़्यादा प्रभावी है, कल को ऐसी दशा हमारी हो जाए कि चारपाई पर पड़े पड़े भी हम सुमरण न कर पाए, दर्द की तीव्रता हो, बीमार बेहोश हो जाए, बीमार अत्यधिक कमजोर हो जाए, बीमार को अपना होश आवास कम हो जाए, कैसे करेगा? तो सुमरण तो इतना पता भी है कि उसके लिए बीमार के निमित्त बीमार के लिए यदि कोई दूसरा उससे प्रेम रखने वाला, स्नेह रखने वाला, प्रेम का रिश्ता रखने वाले रिश्तेदार भाई संतान कोई भी हो, प्रेम रखने वाला कोई भी हो, वो भी अगर उसके निमित्त सुमरण करे, प्रार्थना करे, तो मालिक उनकी भी सुनते। जैसे अपन ने पहले एक उदाहरण दिया था, पुरखा जी की माता जी को लगवा पैरालिसिस का, तेज सिंगे रखेगा और पैरालिसिस का निर्दाय ने उन्हें तेज असर वाला झटका आता है, तब आदमी बोल भी नहीं पड़ता, बाएं अंग में आता है तो जवान बंद नहीं होती, दाएं अंग में आता है तब जवान पर भी असर आता है, तेज अटैक हुआ तो गोली बंद और तेज अटैक नहीं हुआ तो गोली में रुकावट। तो वो सुमरण कैसे करेगा? लेकिन याद हो हमारे पास उदाहरण, उनके निमित्त प्रार्थना किसने की? भगत जी ने की, धैर्य के साथ की, प्रेम के साथ की, अटल विश्वास के साथ, ये तीन बहुत बड़ी बातें हैं। इनके बगैर प्रार्थना जल्दी नहीं सुनी जाती, प्रेम न हो तो सुनने वाला कौन है, धैर्य नहीं हो तो सोचेगा इतनी देर हो गए मुझे पाठ करते हुए और कितना करूँ, इतना ही हो पाएगा, बाद में तो सुनते हैं क्या पता कब सुनेंगे, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, अब संशय है तो विश्वास कहाँ है? धैर्य हो, अटल विश्वास हो, प्रेम हो तो प्रार्थना इस तरह से कोई कर सकता है, हमारे अवश्य सुनते हैं, सदा से सुनते आए हैं, आर्त भाव से होकर के यदि कोई मालिक को पुकारे तो कान ये करती है। इतिहास में पुराने इतिहास में बहुत उदाहरण है, जब घर पर संकट आया, ग्राह ने उसको पकड़ लिया और ग्राह बहुत बलवान था, वो हाथी भी बहुत बलवान था, लेकिन हाथी को हाथी पानी में कुछ उतरा हुआ था पानी पीने के लिए, और जो थलचर होते हैं जो जमीन पर चलते हैं वो गाड़ी पानी में गाड़ी पर उनका बल काम नहीं करता, अपन भी जमीन पर चलते हैं तेजी से दौड़ सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, ताकत लगा सकते हैं, पर पानी में चले जाएं तो ताकत नहीं लगेगी, पानी में हमारा जोर नहीं चलेगा, इसीलिए तो कई लोग पानी में डूब जाते हैं, बार बार मार असर नहीं होता। तो वो हाथी तो थलचर था, पानी में उसकी ताकत क्षीण हो गई, ग्राह ने पकड़ लिया, ग्राह ने पकड़ लिया, अब कोई चारा नहीं था, और ग्राह की अफसोस था, हाथी पूर्व जन्मों से
भक्ति के संस्कार दिए हुए था, जरूर 84 जीवन में चला गया, लेकिन उसके पिछले जन्मों में भक्ति का बीज उसके घर में रखा हुआ था, ठीक ढंग से नहीं कमाई कर पाया, ज्यादा छोटे कर्म उसे हो गए, पशु योनि में चला गया, लेकिन अपने संस्कार को साथ लेके जाता है। ऐसे उदाहरण बहुत है। अपने यहाँ भी एक आदि आया था, एक गाय की बाल विशाल की सेवा में, सुंदर गाय और बाल की सवारी के लिए जो हार किया है, दोनों तो पशु योनि में थे, लेकिन भक्ति के संस्कार थे या बाप ने दया करके उनके घर में रखे और उनका प्रेम सुंदर गाय का प्रेम काबिल तारीफ, जिसका नमूना नहीं मिलता इंसान को। अपन तो इंसान कहलाने को इंसान है, प्रेमी तो सुंदर गाय थी जो बाप के साथ की। 4 बजे जब बाप जी साहब अपने कमरे से बाहर पधारे और बाप जी के खड़ाओ की आवाज पीछे के बाड़े में सुंदर गाय के कान में पड़े और सुंदर गाय पाना नहीं जाता था, बाप जी के आदेश से उसको खुला रखा, का विवाह हो गया, पालने से उसको कष्ट होगा, खुली रहती थी नीम के पेड़ के नीचे, और वो जो सुनती बाप जी की खड़ौती आवाज तो वहां से तोड़ करके आती, अगर वो तोड़ करके आती कृपा की हो जाती, प्रेम के अंदर मुकार बटी हो जाती, बाप जी रुक जाते, समझ जाते सुंदर आ गई, अब बाप जी रुक जाते, प्रेम के बस रुकना ही पड़ता है, और वो बाप जी के चरण चाहती। अब बाप जी को बाप जी में मदारना है वो नहीं समझती, गाय नहीं समझती, बाप जी दूसरा कोई रोके तो हमें रोकना पड़ेगा, बाप जी कहाँ मदार देंगे, इसमें कैसे रोके, कैसे डिस्टर्ब करें, लेकिन वो तो प्रेम के बस में थी और बाप जी प्रेम के बस में थे, ऐसा सदा होता था उनके। जब सत्संग में बाप जी सत्संग विराजते तो आकर के नीचे इसी बरामदे में होते सत्संग होने वाला था और सर्दियों में जुड़ा जुड़ा उपकरण, तो वो बरामदे के नीचे जहाँ पे 5-7 पंक्ति लगे हुए हैं उसके नीचे आकर के वो बैठ जाते। अब यह संस्कार को कहाँ से लेते हैं, और जब बाप जी रात को सत्संग उठने के बाद में आदेश देते सब सत्संग अपने अपने घर चले जाते, कोई गुरुद्वारे में रहते आवास में जाते, अब बाप जी आदेश देते सुंदर गाय सुंदर जाते जाकर के संकेट देते, तो जानवर की ऐसे पुराने संस्कार लेकर के कोई कोई बिरला आता है, तो वो गज जिसको प्राय ने पकड़ लिया था वो पुराने पक्षी के संस्कार लिए हुए था, वो उदय हुए संकट के समय और उसने 8 भाव से पुकारा, हे प्रभु मुझे बचाओ। अब माँ पुरुष कहते हैं जब उसने अत्यधिक 8 भाव दुखी होकर के दुखी प्रभु की शरण भी एकमात्र उपाय है ऐसा समझ करके अपना बल नौछावर करके यानी बलियार होकर के जब पुकारा तो पूरा नाम लिया जो उसके परंतु भगवान आते, जब गज अर्ध नाम बोल रहा है, जब गज ने अभी आधा ही नाम पुकारा था, पांव गया जय भय नाम है गंगा सुंदर भगवान को छोड़े करुण जी की सवारी, बहुत तेज चलने वाले करुण जी हैं, पूरे ब्रह्मांड में भगवान के सुंदर वही लेके जाते हैं, लेकिन भगवान के फेरे नहीं का पता नहीं है कब पहुंच जाएगा, भगवान सीधे ही आते गरुड़ासन को क्या करके आ गए, भगवान ने वहीं से बीच रस्ते से सुदर्शन छोड़ दिया, ग्राह मारा गया, गज की रक्षा हुई, अब वो गज कृतज्ञता के भाव से भर गया, पुराने पक्ष के संस्कार उदय हो गए, उसके स्वामी उसके पास आ गए, संकट में उसकी मदद की, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जानवर के आंसू आते हैं गाय को हाथी को थे, अपन देखते हैं बड़े जानवर जो है जिसमें छोटी बहुत समझ है छुपाए वो रोते हैं, गज के आंसू आ गए, भगवान ने गज को अपनी गोदी में उसका सर रख दिया, गाय भयंत्र बोल प्रभु दीनो मस्तक हाथ कराए, उसके मस्तक पर अपना हाथ रख दिया, मालिक ये नहीं देखते कि ये जानवर है कि इंसान है, जब इतना ही देखते तो फिर इंसान को तो मालिक पर क्या समझेंगे कि ये भी पुरुष है कि स्त्री है, ऊंच जात का है नीच जात का है, छोटा है बड़ा है, गरीब है अमीर है, समझदार है या किसने कोई गुनाह किए किए होंगे कि अभी तो हमारी मदद मांगता है हमारी शरण में है,
हमें प्रेम से याद कर रहा है, वो ना है तो अपनी जगह है, प्रेम के साथ हमको कानून नहीं मिलता। इस तरह से प्रेम से आठ कोठे पुकारे तो मालिक सुनने में कान नहीं करते। ऐसा सभी अनेक बार सभी मामलों में ऐसी दया हुई है। ऐसी दया द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान को कान नहीं लगाए, यदि देर लगाते तो फिर वो दया करना ही गलत हो जाता। द्रौपदी की तो लाज जा रही थी, भगवान ने उसी वक्त बचाया और आखिर दुशासन की दुर्योधन की और होगी हार। तो कठिन संकट कैसा भी हो, अपन ने तीन उदाहरण पर विचार किया, गज के उदाहरण पर विचार किया, द्रौपदी के उदाहरण पर विचार किया और अपने घर के उदाहरण यानी दुर्गा जी की माता जी पर ये संकट के समय बीमारी के समय पर जिस तरह से प्रार्थना भगत जी ने की उस पर विचार किया। मालिक सुनता तो अपना यही फर्ज है। हालांकि ये मार्ग का उपदेश है, जिस दिन सदगुरु सदगुरु रखते वासुदेव सब संकट करते, इसका मतलब ये नहीं है संकट होने पर हमें पुकारे, संकट होने पर सुमरण करें। संकट के समय सुमरण करेंगे तो मालिक इतना दयालु है तब भी सुनेगा, इस बात पर विचार नहीं करेगा कि ये हमेशा तो हमें भूला रहता है, अपनी मकबूरी में रहता है, दुनिया में माया में जगत में हमें भूल गया है, इस हमारे गुनाह पर विचार नहीं करेंगे, ये उनका विरुद्ध है। लेकिन हमारा फर्ज ये नहीं है, हमारा फर्ज ये है कि हम हमेशा ही याद करें, हम हमेशा ही स्मरण करें, हमेशा ही प्रार्थना करें, हमेशा ही अपने गुनाहों की क्षमा मांगे। तो संकट आएगा ही तो क्यों, यदि जिस समय तकलीफ नहीं है और आराम में मालिक ने दया करके रखा हुआ है, इस समय भी यदि हम याद करें तो वो ज्यादा खुश होगा। दुख में सोने रन सब करें, सुख में करें न कोई, जो सुख में सोने रन करें तो दुख काहे को। दुख में सभी याद करते हैं और करना ही चाहिए, नहीं जो दुख में नहीं करते हैं वो फिर नीचे हैं, जो बिल्कुल नहीं करते हैं उनसे भी अच्छे हैं जो दुख में याद करते हैं, उनसे भी वे अच्छे हैं जो सुख में भी याद करते हैं, इसका मतलब सदैव याद करते हैं। और जो सदैव मालिक के नाम का स्मरण करता है, सदैव शरणागति के भाव में रहता है, सदैव समर्पण के भाव में रहता है, सदैव अपना आपा अर्पित किए हुए रहता है, उसके ऊपर दुख आएगा ही क्यों, उसके ऊपर दुख नहीं आएगा। जो सुख में स्मरण करे तो दुख आए क्यों। इसी तरह से जिसको इस बात का अटल भरोसा है, अटल जाने पक्का ही है, हिमालय से भी ज्यादा है, इस बात का पक्का भरोसा है कि मेरे स्वामी मेरे रक्षक हैं और चाहे मैं आपदा में रहूं, रण में रहूं, विपत्ति में रहूं, चाहे मेरे ऊपर कैसा भी संकट आए, एक दिन काल आएगा, एक दिन जरूरत आएगी, एक दिन मौत आएगी, लेकिन मुझे डर नहीं है क्योंकि मुझे बचाने वाले मेरे गुरुदेव हैं, वे मेरे गुनाहों को कभी देखते नहीं, कभी देखेंगे नहीं, वे मुझे बचाएंगे। तो संकट कैसे आएगा और आएगा तो मालिक कैसे नहीं बचाएगा। शास्त्रों से भी सीखने को मिलता है, तो हम प्रार्थना करना जानते हैं, इतना भी जानते हैं।
कहा करते हैं, लेकिन जब हम घर बैठे तब तो ये समझ जा रही है ज्ञान में क्या नहीं था, और उस समय हमें किसने बचाया? वही दयालु सच्चा मालिक, सच्चा भगवान जो हमारा सबका स्वामी है, वही बचाए। तो महापुरुषों ने कहा है कि रण में, वन में, आपत्ति में, विपत्ति में डरने की जरूरत नहीं। जो रक्षक जननी कठर, जिसने माता के पेट में हमारी रक्षा की, माँ बचाना बहुत मुश्किल था, जिसने माँ पे हमें बचाया, वो प्रभु क्या हम सो गए हैं क्या? अब नहीं बचाएंगे क्या? अवश्य बचाएंगे, लेकिन फिर हम देख रहे हैं दुनिया में तो बचाए, माँ के पेट में तो सबकी रक्षा करी, और अब तो सबकी रक्षा तो समान भाव से नहीं होती, ऐसा हमारे देखने में आता है। ये प्रश्न हो सकता है, ये सबका वाजिब है, ये जिज्ञासा यदि किसी के हो तो गलत सही है। दुनिया लोग पा रही है, उसके अलावा ऐसे लोग जो पा रहे हैं जो कहते हैं कि प्रभु हमें बचाओ, नहीं बचाए, फिर ये क्या कारण है? ये कारण ये है कि हम अपने आपे में आ गए। माँ के पेट में आपा नहीं था, माँ के पेट में अहंकार नहीं था, गर्व नहीं था, दम्भ नहीं था, बड़प्पन का झूठा अभिमान झूठा क्रोध नहीं था, निर्बल थे, इसलिए पूरी पूरी शरणागति थी। अभी भी उसी के बोध भाव से यदि शरणागति ले तो किसी ज्ञान विज्ञान की जरूरत नहीं, किसी प्रार्थना की जरूरत नहीं। प्रार्थना मुंह से बोलने का नाम प्रार्थना नहीं है, मुंह से बोलना तो एक रस्म है, प्रार्थना का एक तरीका है। जो हमारे जैसे जो अपने समझदारी के झूठे घरों में कहते हैं ना, हम उनको रास्ते लगाया, ठीक रास्ते पर लाने के लिए ये प्रार्थना का सिस्टम बना दिया, उस प्रार्थनाएं बनाई और हमें उनको करना सिखाया। असल प्रार्थना हृदय की पुकार का नाम है, और वो हृदय की पुकार किसी भाषा की मोहताज नहीं। गजने जब प्रार्थना की होगी तो संस्कृत में करी, हिंदी में करी, आगे हो गई कोई अलग भाषा चलती हो उसमें करी, ये भाषा और एक नियमबद्ध तरीके से जो 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 औपचारिक प्रार्थनाएं बना दी गई है, जैसे अपने पाठ करते हैं औपचारिक पाठ, भारतीय दया करते हैं उन लोगों की बनाया, क्योंकि हम अनौपचारिक निर्माण की दशा में हैं नहीं, औपचारिक दशा में चलो इस तरीके से नियम बनाएंगे करेंगे, करते करते नियम सीख जाएंगे। आज रूटीन के तरीके से करते हैं, करते करते कभी प्रेम के घाट पर आएंगे तो प्रेम के तरीके से कर पाएंगे, नहीं करने से ये करना अच्छा है, इसलिए बाप ने हमें ये औपचारिक तरीका सिखाया। लेकिन जो प्रेमी आत्माएं हैं उनके लिए किसी औपचारिक तरीके की आवश्यकता नहीं। तो अपन ने विचार किया कि हमने कौन सी औपचारिक प्रार्थना की नहीं की, लेकिन हृदय की पुकार सुनता है। चिमटी के पगने वर बाजे सो भी साहिब सुनता है। महापुरुषों ने कहा है चिमटी के कितना पैर होता है, उसमें पायल पहना पहना दी जाए तो कैसी पायल होगी और उसकी आवाज़ क्या होगी? चिमटी का पैर ही क्या होता है, उसमें कौन सी पायल आएगी, आएगी तो उसकी आवाज़ क्या होगी? लेकिन वो मालिक सुनता है, उसको भी सुनता है। चींटी के पैर में बांधी हुई पायल की आवाज़ भी वो मालिक सुन लेगा, सुनता है वो मालिक, तो दिल की पुकार सुनता है। लाउड स्पीकर लगा करके जोर से तेज आवाज में बहुमत तरीके से लोगों को दिखाने के तरीके से जो प्रार्थनाएं करते हैं और मन में खुश होते हैं कि हमने तो हमारा फर्ज पूरा कर दिया, ठीक है, नहीं करने से अच्छा नहीं, हमारे उसमें भी खुश है, लेकिन ये तरीका सुनवाई करने ये तरीका नहीं। इसीलिए तो कबीर साहब ने फरमाया कि कांकर पार कर जोर के मस्जिद नहीं चुनार, ताजमहल्ला बांध बैठा भाई राम होता। पहले जब लाउड स्पीकर नहीं होते थे, स्पीकर माइक लाउड स्पीकर सुविधा नहीं थी, तो मुल्ला लोग मस्जिद के ऊपर ऊंचे की तरफ चढ़ करके फिर ऊपर की तरफ घूम करके जितनी ताकत होती थी उतनी ताकत लगा करके बांध देकर परमात्मा को आवाज़ देते थे, या अल्लाह मोहम्मद रसूल।
ये उनका प्रार्थना करने का तरीका था। तो कबीर साहब ने फरमाया कि वो खुला आकाश होता है, वो कितने मुल्ला प्रार्थना करते हैं, सबके सुनता था, कैसे सुनता था, वो दिल की आवाज़ कर लेता है, ऊपर चढ़ के जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। तो आपने फरमाया कि क्या महिला हुआ खुदा, इतने जोर से क्यों बोलते हो, क्यों बड़ा पाठ हो, प्रेम से पुकार लो, प्रेम में तो प्रेम ज़्यादा अगर घुमट गया तो गड़ा रुक जाएगा, आवाज़ तो बाहर नहीं निकलेगी, अंदर रहते हैं, तो जरूरत नहीं बाहर निकलने की। कैसी पुकार से होता है, कैसी इबादत से होता है, सत्य निष्ठ होना चाहिए, प्रेम निष्ठ होना चाहिए, बड़ा विकल नहीं होना चाहिए। एक बड़ी सुंदर छोटी सी कथा है, उसके बारे में सब आप कहते हैं, मालूम किसकी इबादत कबूल करता है किसकी नहीं करता। अब तो जाते हैं, अभी हज चल रहा था, अभी हज समाप्त हुआ ही है थोड़े दिन में, तो साल में एक बार हज होता है मक्का मदीना सऊदी अरब में, और दुनिया भर के मुसलमान ये चाहते हैं, ख्वाह सकते हैं, मंग लेते हैं कि हमें भी मौका मिले और हम हज के लिए वहाँ उपस्थित होकर के खुदा की इबादत करें। अब आज तक तो नियम कठोर हो गए, वीजा लेना पड़ता है, तो दुनिया भर के मुसलमान जाना चाहे तो सबको वीजा बदला नहीं सकते, तो वीजा में एक लिमिट बना दी गई है कि वो सऊदी अरब वाले जितनी व्यवस्था हो सकती है, कुछ वर्षों पहले तक 10 लाख लोगों को वीजा दिया जाता था दुनिया में। अब क्या किया जाए, इससे ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट की चीज समस्या आ जाती है, एक बार होकर वहाँ भी हुई थी 8-10 साल। पुराने समय में पैदल यात्रा जाते थे, वीजा पास होता नहीं था, तो लोग पैदल जाते थे, तो एक गांव से 2-4 गाँव आस पास के लोगों ने विचार किया कि भाई हम भी हज को चले। तो बहुत कोशिश करने के बाद में कुछ लोगों ने तैयारी की, कई सालों तक कोशिश की, पैसा कमाया बचाया, परदेश में जाएंगे तो पैसा भेजेंगे, अभी भी बहुत खर्चा लगता है, पहले तो साधन कम थे, पैसा बचाया और एक संघ बना करके हज के लिए रवाना हुए। हज के लिए रवाना हुए, पैदल चलते थे, रात को कहीं विश्राम करते थे और फिर दिन उगने पर पैदल यात्रा शुरू करते थे, शाम रात के समय फिर विश्राम करते थे। इस तरह से विश्राम करते करते चलते चलते कुछ दिन बीत गए, तो वो संघ एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहाँ घूमना था, आज रात को यही विश्राम कर ले। तो एक बड़ा पेड़ था, उसके नीचे जाके सोचा कि यहाँ पे कुछ प्याऊ जैसी भी बना हुआ है, यही होता था। वहाँ जो नदी गए तो देखा पेड़ के नीचे एक आदमी दर्द से ट्राई ट्राई करता था। पास में देख भाई क्या है, क्या हुआ, बोला मैं इस पेड़ के ऊपर चढ़ा था अभी तो नीचे गिर गया, डाली टूट गई और मेरे 2-3 फ्रैक्चर हो गए लगते हैं, अब मेरे को जो मैंने बचाने वाला कोई नहीं, और मैं आप लोग आ गए तो खुदा का धन्यवाद है कि आप आ गए मेरी मदद की। लोगों ने विचार किया क्या करें, सब ने कहा इसके तो 2-3 हड्डियाँ टूटी हुई लगती है, कमर टूट गई, कमर टूट गई, पाँव भी टूटा हुआ लगता है, हाथ भी टूटा हुआ लगता है, अब इसको बचावे अपन को परदेश ही है, कैसे बचाएंगे, क्या मदद करें, अपने को हज पे जाना, ये पता नहीं 2 महीने में ठीक हो, 3 महीने में ठीक हो। तो अपना बड़ा उद्देश्य हज का है, जिंदगी में कितने अरमान सजाए थे कि कभी हज हो जाएंगे, खुदा ने हमें मौका दे दिया उसको नहीं छोड़ सकते, अब इसको बचाएगा कोई, इसके बाद में लिखा होगा तो सब जाएगा। रात भर तो ऐसे विचार करते रहे, कुछ आराम किए दिन होगा तब सब लोग आगे चलने की तैयारी करने लगे। एक आदमी कुछ बुजुर्ग भी था, उसने कहा मेरे को ऐसे कैसे जा सकते हैं, इसका इलाज कराना पड़ेगा, इसकी सेवा तो करनी पड़ेगी, इसके घर में भी खुदा का ही जोड़ है, वही खुदा इसके घर में है जो हमारे घर में है, और वही खुदा जिसकी इबादत में मक्का मदीना जा रहे हैं इसके घर में भी है, और वो आज तकलीफ में है, वही आगे तो नहीं जा सकते। तो लोगों ने कहा हज का क्या होगा, हज का तो क्या होगा, हज का तो समय तय है, रोज पैदल चलेंगे तब हज के दिन वहाँ पहुँच पाएंगे, उसके आसपास वो तो
हल नहीं करेंगे अगले साल करेंगे या जब खुदा मेहरबानी करके दोबारा मौका मिलेगा तब करेंगे, इसका इलाज कराने क्या। एक ने सुझाव दिया, सबने कहा तुम नादान है, तुम मूर्ख है, ऐसे रोज एक्सीडेंट होते ही रहते हैं दुनिया में, कहीं जन्मते हैं कहीं मरते हैं, जो हज के लिए पैदल जा रहे हैं इनमें भी कई रस्ते में मर जाते हैं, ये ऐसे नहीं होता, खुदा के दरबार में जा रहे हैं हम नहीं रुक सकते। उसने सोचा क्या करना चाहिए, तुम रुकेंगे नहीं। उसने कहा ठीक है भाई अपना सामान अलग करने लगा। लोगों का क्या है मैं बाजार नहीं चल रहा। उसने कहा मेरे को नहीं जा रहा, ये ठीक हो जाएगा तो आप माफी चले। बोला वहाँ तेरा इंतजार कौन करेगा, आज से 13वें दिन 14वें दिन 15वें दिन तो हज है और तू इसको ठीक करेगा, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, कितने दिन में होगा। बोला जब भी होगा तब होगा, होगा कि नहीं होगा मेरे हाथ में नहीं है, खुदा के हाथ में है। मैं तो रुका, आप लोग जाओ। आप लोगों से एक प्रार्थना है कि वहाँ काबा में आप पहुँचो तो मेरी तरफ से भी सिजदा करें, अपनी तरफ से आप सिजदा करोगे, मैं आपके साथ इतनी दूर आया हूँ बाद से आया, तो मेरा इतना काम तो आप कर देना कि खुदा की खिदमत में मेरा भी सिजदा पेश कर देना, यानी मेरा भी मत हटे। उनका ठीक है भाई कर देंगे। सब सोचने लगे ये नादान आदमी है, ये कुछ नहीं समझता, नहीं जिंदगी में दोबारा मौका मिलेगा फिर लगते जाने का हमारा। तो सब रवाना हो गए, वो वही मुकाम उस आस पास के कस्बे में ले गया। दूसरे दिन किसी जानकार को दिखाया, कई तरह की पट्टियाँ वट्टियाँ बांधी, उसको खुराक देने लगा। उसके बाद जो पैसा था घर के लिए जो दे कर आया तो उसी से इलाज कराने लगा। अब वो जो लोग बाकी का संग गया उस नियत समय पे पहुंच गए, उन्होंने हज में शामिल हुए और फिर जब वापस विदा होने का समय आया तो काबा पर मत्था टेका। उस बेचारे के भी पूरा मत्था टेकना याद था, तो उसका भी ये दिया कि एक हमारे साथ आया था मूर्ख, वो तो रस्ते में रुक गया, एक खुदा पर डाला उसका भी सिद्धा कम होकर गया और फिर रवाना हो गए। वापस आए, रास्ते में चल रहे थे, इसी तरह से विश्राम करते हुए रुकते हुए दिन भर यात्रा करना, शाम के रुक करके खाना बनाना और पिंड बनाना और खा पी करके आराम करना किसी कस्बे के पास गाँव के पास और फिर आगे अगले दिन यात्रा करना। तो एक रात को इसी तरीके से किसी देवालय में धर्म स्थान में मस्जिद में गए, आराम कर रहे थे। बाहर एक बड़ा पेड़ था, कुआ था, वहाँ पे पानी वानी निकाला, नहाए धोए, खाना बनाया, खाया, सो गए। उस पेड़ पर नीचे सब लोग विश्राम कर रहे थे, रात को उस पेड़ के ऊपर दो देवदूत आकर के रह गए। तो दो देवदूत नीचे लोग भी सोए, किसी को नींद आई किसी को नींद नहीं आई। देवदूतों में से एक ने पूछा दूसरे देवदूत से कि इस बार हज को कितने जाएंगे नाए। तो दूसरे ने कहा कि जाएंगे तो इस बार बहुत आए, 15-20 लाख तो बहुत अच्छी बात है। कितने का हज खुदा के दरबार में कबूल हुआ। तो पहले देवदूत ने कहा कि 15 लाख के लगभग जो जाए आए उनमें से खुदा के दरबार में हज तो एक भी जाए का कबूल नहीं हुआ, पर 15 लाख में एक भी आपने पता नहीं था एक भी कबूल नहीं हुआ। हाँ, एक आदमी का हज कबूल हुआ, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वो हज तक पहुँचा ही नहीं। दूसरा देवदूत ने कहा ऐसा कैसे, जो हज के लिए आए नहीं पहुँच ही नहीं पाया, ऐसा कौन था जिसका हज कबूल हुआ वो पहुँचा ही नहीं। बोला कि एक आदमी एक संघ के साथ यात्रा में हज के लिए गया था, तो बीच रस्ते में उसको एक घायल ऐसा व्यक्ति जिसकी हड्डियाँ टूटी हुई थी वो मिल गया। संघ के बाकी लोगों ने तो अपनी यात्रा नहीं रोकी और वो हज के लिए चले गए, लेकिन एक भला आदमी था उसने ये विचार किया कि जिस खुदा के दरबार में जाना चाहते हैं वो खुदा के इसके घर में विराज ना, ये तकलीफ में है खुदा, इस जगह कष्ट पा रहा, इसकी सेवा करना मेरा
नहीं, इसलिए मैं इसे छोड़ कर कैसे जाऊँ। और वो रुक गया। उसके बाद जो पैसा था उसने उससे उसका इलाज कराया। अब वो बीमार लगभग ठीक होने की स्थिति पर आ गया है, उसकी हड्डियाँ टूट गई है और अब जो है कुछ दिनों में ही जल्दी ठीक हो जाएगा। हज का समय बीत गया, उसका पैसा खर्च हो गया, वो भी अपने काम को वापस हो गया। उसका हज खुदा के दरबार में कबूल किया गया है। तो नीचे जो सब सुन रहे थे उन्होंने अपना माथा पीट दिया, वो तो अपना ही साथी था, पता नहीं आगे कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। उसका हज कबूल हुआ। हम जो पे निश्चित हो गए और आए हमारे जैसे लाख उम्र थे, वो तो सब खास भी गए। दरअसल में एक बात को कौन सी कबूल होती है हम नहीं जानते। मैंने शुरू में निवेदन किया था जो दीन भाव से प्रेम के साथ सत्य निष्ठ हो गए, बिना कपट के बिना दिखावे स्वीकार करता है, उसी की मालिक सुनता है। तो आज इस प्रश्न को ही समाप्त करते हैं। मेरा ये निवेदन था कि हम पर कभी संकट आते ही आए आते ही रहे, क्यों कि यह तो इस भूमंडल का जिस जगह पर हम रहते हैं ये हमारा देश है, ये मृत्यु देश है। मृत्यु हो या तो रोग का जन्म ना मरना सबसे ज़्यादा जरूरी है, और जो रोग का जन्म ना रोग का मरना इसके जीवन है वो भी निरापद नहीं है, वो भी संकटों से ग्रस्त ही रहता है। तो हमें सच्चे मालिक के नाम का सहारा रखना चाहिए। यही बाबी साहब का उपदेश है, यही सब संतों का उपदेश है, और अपने विचार का है कि स्वयं भगत जी ने इस तरीके से अपने ही परिवार पर आए समय इसको अमल में ला करके हमने दिखा दी। बड़े लोग क्या करते हैं, वो परमार्थ के सच्चाई के रास्ते के जो मुझे सिद्धांत होते हैं उनको अमल में ला करके हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत कर देते हैं। ऐसा ही भगत जी ने किया और हम लोग भी उनके बताए रास्ते पर चलने वाले हैं। तो हमारा भी फर्ज है इसी तरीके को अपनाए, क्यों कष्ट पाए। तो कष्ट से छूटने का उपाय भी बाबी साहब ने बताया, फिर प्रकाश अपने घर का कंध है अपने बाबी साहब को बनाया हुआ। तो एक बार फिर याद कर लेते हैं, निसदिन सतगुरु सतगुरु रहते वासुदेव सत संकट करने। तो ये संकट के समय काम लेना बड़ा उपाय है, और बादशाह का हुक्म है कि संकट का इंतजार नहीं करें, उस सच्चे मालिक का गुरुदेव का उनके नाम का अपने मोर के इस दिन घट में खोज कराई जो सतगुरु पूरण सुखदाई। ये भी प्रेम प्रकाश में आते कि रात दिन अपने घर में उस पूर्ण सुखदाई सतगुरु नाम या गुरुदेव का रूप खोजने लगे रहे तो संकट आएगा नहीं। आए तो जिम्मेदारी आपकी थी इसी प्रार्थना के साथ। विधि निषेधन जगुरु की टेवा द्वितीय साधु प्रीति अरु सेवा।
समर पे ताको कबहु काल नहीं दड़पे। शरणागत पल में कर पारा
Thank you.